हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एसएससी जेई पेपर टू, जिसको हम मेंस एग्ज़ाम बोलते थे, पेपर टू जो अब ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ, 4 दिसंबर 2023 को आप लोगों का पेपर टू लिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली रेडी रहना पड़ेगा पेपर टू के लिए। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर अभी पेपर वन के बारे में तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो पेपर वन के बारे में पहले एक बार डेट रिलीज़ हो चुकी थी, 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर, जिसके बारे में अभी उन्होंने, ये 9 10 11 हम 22 डेट्स फिलहाल के लिए मान सकते हैं, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि ये लगभग कंफर्म डेट है अब। क्योंकि यदि ये दिसंबर में पेपर टू लेंगे तो ये मान के चलो कि अक्टूबर में ही इनको पेपर वन लेना ही होगा। तो आप लोग रेडी रहिए, अगले 2-3 महीने में आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए शुरू से मैं बोलते आया हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए कि सिर्फ पेपर वन की हम तैयारी करें, वन लाइनर पढ़ते रहें चीज़ों को। आप लोगों को पेपर वन पेपर टू दोनों की साथ साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो जितने भी हमारे अब न्यू एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी जेई अब देने वाले होंगे अगले साल, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सबक है कि उन लोगों को जब प्रिपरेशन स्टार्ट करना रहेगी तो पेपर वन पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट करना होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लें पेपर वन के हिसाब से, क्योंकि इतना समय बचता नहीं है कि पेपर टू को हम बाद में पढ़ सकें। तो ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना था, पहला कि पेपर टू जो है आप लोगों का, उसकी एग्ज़ाम डेट 4 दिसंबर आ चुकी है, और दूसरा पेपर वन की जो डेट है वो टेंटेटिवली 9 10 11 अक्टूबर दी जा चुकी थी, और मुझे लगता है कि लगभग कंफर्म्ड है। फिर भी एक बार ये और मुझे लगता है एक बार नोटिफिकेशन निकाल कर कन्फर्म कर देंगे ये लोग, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने अभी तक फॉर्म वॉर्म सब फिल कर दिया होगा और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।